नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में सरगर्मियां चल रही हैं, सरगर्मियां चल रही हैं यहां पर बयानबाजी की, पर कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि जो 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 2024 का आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर लगातार विपक्ष तैयारी कर रहा है। और तैयारियों का मुजाहरा ये है कि बीते दो दिनों की बात अगर हम कहें तो बीते दो दिनों में उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी की बात करें और चाहे कांग्रेस की बात करें और चाहे आरएलडी की बात करें, सभी सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को घेरने का काम यहाँ करते नजर आ रहे हैं। कारण क्या है? 24 की तैयारी है। कारण क्या है? जनता के बीच जाकर संघर्ष को दिखाना है। और कारण सबसे महत्वपूर्ण कि बीजेपी को घेरते हुए जनता का जनाधार पाना है। जनता का जनाधार तभी मिलेगा जब जनता के बीच जाकर संघर्ष होगा। फिलहाल जिस संघर्ष को हमारे देश की तमाम पार्टियां, उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां भूल चुकी थी, शायद वही संघर्ष की पटकथा अब दोबारा उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। हालांकि अगर ये बात आम आदमी पार्टी के लिए कहें तो आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को जनता के लिए उतारती नजर आ रही है और लगातार तमाम तरह के आंदोलन समय समय पर उनके द्वारा की जाते हैं। आज भी हमारी पार्टी द्वारा एक आंदोलन किया गया और अडानी का जो इस समय मामला चल रहा है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और जिस तरह से अडानी के शेयर, समूह के शेयर जिस तरह गिरे हैं, उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों पर प्रदर्शन किया और यहाँ पर जो अडानी मामले की जाँच ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में करने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार इस पर लोगों को ध्यान भटकाने काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर अब सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह ही रहा तो सभी व्यापारी, इस तरह के लोग सरकार का मुनाफा ले लेकर और लोगों को परेशान कर 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 देश से बाहर चले जाएंगे, उनका पासपोर्ट तक जब्त होना चाहिए। अब और बात करें आरएलडी की, आरएलडी भी आज प्रदर्शन किया उन्होंने और किसानों की मांगों को लेकर, एमएसपी को लेकर, गन्ना मूल्य का भुगतान को लेकर और छोटा जानवर जो फसलों को नुकसान पहुंचाते उसको लेकर भी प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि सरकार किसानों को लेकर संजीदा नहीं है। तो वही कांग्रेस पार्टी कल भी प्रदर्शन किया और आज भी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने ये बात स्पष्ट कही कि कांग्रेस में लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, सरकार परेशान कर रही है और जिस तरह पूंजीपति यहाँ पर सरकार को और देश को खोखला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के नाक पर जू रोंगनी चाहिए, जो फिलहाल सरकार के ऊपर नहीं रेंग रही है। तो देखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और शायद 24 की ये पुख्ता तैयारी का एक छोटा सा प्रमाण है। चर्चा महत्वपूर्ण वैसे मेहमान जो चुके रूबरू करा दूं, नेता भाजपा से सवार भाई अपना पक्ष रखेंगे, निर्मला लतीफ भाई आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में पक्ष रखेंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस से युवराज सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टेक्निकल मुद्दे कारण थोड़ी डिबेट लेट शुरू हुई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, सवार भाई कैसे देखते हैं जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है और सारी पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर अब सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार यहां पर है, तो कहीं ना कहीं शायद ये तैयारी है और किस तरह से चुनौतियों से निपटेंगे और जो विपक्ष की मांग है उसको कैसे देखते हैं? जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए गौरव जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 14 से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 19 और 24 का चुनाव आने वाला है, हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और 24 में हम सबका साथ के साथ चुनाव लड़ेंगे। और रही बात जनता के बीच में, तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहता है और जनता के लिए कार्य करता है और भारतीय जनता पार्टी जो जनहित के कार्य हैं उनको बड़ी ही ईमानदारी से काम कर रही है। अच्छा, रही बात जो हमारे जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, जो एकजुट हो करके जो इस वक्त जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 24 का चुनाव है, उनको अपने वजूद को कायम रखना है, अपने आप को दिखाना है कि हम अभी जिंदा हैं। अच्छा, तो इस तरह के ये प्रदर्शन
और ये आंदोलन अब इन्होंने शुरू कर दिए हैं क्योंकि इनको चुनाव में आना है और सत्ता हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए न कभी चुनाव लड़ती है, क्या की लड़ती है तो बता दीजिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, क्या बात है, चुनाव लड़ती है और हम भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन पर ही काम कर रही है। अच्छा ठीक है। हम सत्ता में रहते हैं तो जनता के लिए काम करते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं तो जनता के लिए संघर्ष करते हैं। अच्छा। और जो विपक्षी दल जो अपने आप को कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए संघर्ष करते हैं, तो अब चुनाव करीब है तो वो अपने आप को प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लड़ते हैं और सत्ता पाने चुनाव लड़ते हैं जी, दोनों में बहुत फर्क है, तरीका है दोनों में फर्क। अच्छा, जो उनकी जो उद्देश्य है वो अलग है। पर ये बता दीजिए, आपने कहा कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं क्या वो नाजायज है? क्या गलत मांगों पर प्रदर्शन? देखिए, मांगे जो होती हैं वो, अगर किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, देखिए किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा। आपने देखा किस तरह से जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बैठ करके आपसी बातचीत करके उस चीज को खत्म किया, लेकिन विपक्ष का काम है अननेसेसरी जो है बैठ के खत्म नहीं हुआ। देखिए विपक्ष का जो काम है वो अननेसेसरी जो है बढ़ावा देना, सरकार के काम को में रुकावट बनना, ये उनका काम है। और आप देखिएगा 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी पुनः वापस आएंगे और जिस तरह से काम हो रहा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका साथ के साथ काम होगा। चल ठीक है। प्रवक्ता सभा भवन भास्कर जोशी, भवन जी कैसे देखते हैं तैयारियों को? जिस तरह से यहां पर आरएलडी का प्रदर्शन रहा, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा, कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अब रणनीति बनाने को तैयार हो चुकी है। संगठनों में लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार देख रहे हैं कि संगठन बदलाव भी हो रहा है, फेरबदल भी हो रहा है और सबको सबकी जिम्मेदारियां यहां पर तय की जा रही है। कैसे देखते हैं और नई चुनौती किस तरह बीजेपी के लिए बनते नजर आएंगे जी? देखिए आज उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है जी, वो मन बना चुका है माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति। और जब मैनपुरी का जो परिणाम आया, उसके बाद जो कतौली का साथ में जो चुनाव का परिणाम आया जी, उसके बाद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो मैनपुरी का मॉडल है वो देश के प्रदेश के विकास का मॉडल बनेगा। अच्छा। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की और देश की दिशा और दशा तय करेगा। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ गौरव भाई कि मैनपुरी का मॉडल क्या है। मैनपुरी का जो मॉडल है विकास का मॉडल है, मैनपुरी का मॉडल है गंगा जमुना तहजीब का मॉडल है, और मैनपुरी का जो मॉडल है वो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत का मॉडल है। हम लोग इसको लेके साथ साथ जाएंगे। निश्चित तौर पे हमारा संगठन बन चुका है। सबसे बड़ी बात, माननीय अखिलेश यादव जी हर जिले में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जो कार्यकर्ता पहले से ही लबोलब था उत्साह से, आज वो और ज्यादा उत्साह में आ गया। निश्चित तौर पे यही हमारी जीत का कारण बने। अच्छा, तो कोई चुनौती नहीं बन, जो इस भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कोई चुनौती नहीं बनेंगे और सबका साथ सबका विश्वास जो नीति चल रही है काम होगा, जनता दोबारा उनको मौका देगी। गौरव जी मुझसे पूछ रहे हैं जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी, गौरव जी मुझसे कह रहे हैं जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी। गौरव जी मैं कहना चाहता हूँ जी, जो इनका जो विकास है वो साफ दिखाई देता है, किस चीज का विकास हुआ है। परीक्षा जो माफिया है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस प्रकार वो हावी है, वो परीक्षा माफिया का विकास हुआ है। मातृशक्ति आज देखिए महंगाई की मार को झेल रही है। अच्छा। रसोई के बजट में कोई भी उन्होंने काम करने का काम नहीं करा। ठीक है। इसके अलावा जब छात्र परीक्षा देने जाता है तो परीक्षाएं लीक हो जाती है। अच्छा। निश्चित तौर पे युवा वर्ग जब नौकरी मांगने जाता है तो उनके पर रट मारने का काम योगी सरकार करती है। अच्छा। निश्चित तौर पे आज सरकार का हर जगह फेलियर है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखते हैं कि चाहे वो लल्लू मॉल की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे वो दलित बेटी को जलाने का हो, लगातार इनका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होने का काम। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ इमरान लतीफ, हमारी पार्टी। इमरान भाई, भाई आपने आज प्रदर्शन किया और निश्चित रूप से आप लोग प्रदर्शन ये समय समय चलते रहते हैं। भाई मैं तो आपको सक्रिय, भले ही आपको यहाँ सीट नहीं मिली पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपकी सक्रियता है वो काबिल तारीफ है। कैसे देखते हैं इन व्यवस्थाओं को और क्या बांधते हैं? तैयारी 24 की शुरू हो चुकी है और क्या मापदंड लेकर जाएंगे 24 की तैयारी को लेकर और क्या बेहतर करेंगे जी?
देखिए गौरव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर बात करें तो आम आदमी पार्टी जी की जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, एक राजनीतिक दल होने के नाते और एक आंदोलन होने के नाते, जी वो हम उन जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने की कोशिश हमेशा करते हैं और करते रहेंगे जी। जहां तक आज के आंदोलन का सवाल है, आज के धरना प्रदर्शन का सवाल है जी, ये आज के समय में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या बात कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाकर सरकार में आई हो केंद्र के अंदर, और अगर वही पार्टी और उस पार्टी का नेता आज देश के अब तक के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के अंदर लिप्त पाया जा रहा है। दरअसल ये जो अडानी का पूरा मामला देख रहे हैं, ये सिर्फ अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, इसको ये कहा जाना चाहिए कि मोदी अडानी महाघोटाला है ये। मोदी अडानी महाघोटाला, आम आदमी पार्टी और देश की जनता इस बात को अच्छे से अब समझ रही है। अच्छा। और सब ये मानकर बैठे कि किस तरीके से अडानी को पाल पोस कर बड़ा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहले गरीब थे क्या ये? बिल्कुल गरीब थे। आप उठाकर देख लीजिए उनकी संपत्ति 2014 से पहले कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति है। आज अडानी के मोह में 11 लाख करोड़ रुपए देश के आम आदमी का डुबो दिया मोदी जी ने। अच्छा, अडानी को, अडानी के ऊपर जो LIC ने इन्वेस्ट किया, SBI ने इन्वेस्ट किया, वो पैसा किसका था? वो देश के आम आदमी का था। और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके, बेईमानी का एक मॉडल तैयार करके, बेईमानी का एक पहाड़ तैयार करके अडानी अभी तक बिजनेस करते रहे देश और विदेश के अंदर, उससे आज देश के लोगों की धुकधुकी बंधी हुई है। जिन लोगों ने LIC के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, अपने गाढ़े वक्त के लिए, जिसने एक एक रुपए काट कर SBI के अंदर जमा किया था, आज उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के छत्र छाया में अडानी ने सबसे बड़ी बेईमानी करने का काम किया, सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया। यहाँ पर सरकार बोल रही है कि LIC और SBI जैसे जो बैंक है, ये संस्था है, उनका स्वयं का विवेक होता है। सरकार थोड़े बोलती है कि उनको वहां निवेश करें, अब उनकी इच्छा है जिसके शेयर में निवेश करती है। देखिए, जिस तरह का फर्जीवाड़ा खड़ा करके, बताइए जो 7 टैक्स 7 कंट्रीज हैं, मॉरिशस हो गया, एंटीगुआ हो गया, ऐसी सब जगहों पर 7 अलग अलग फर्जी कंपनियां बनाकर अडानी ने अपने ही कंपनी के शेयर खरीदे, उन शेयर को महंगा करने का काम किया, फिर उन्हीं शेयर के नाम पर LIC और SBI से काम लेने का काम किया, SBI से लोन लेने का काम किया। आज LIC और SBI ने जो इन्वेस्ट किया था वो एक फर्जी जो है शेयरों पर किया था, आज उसके नाते जो है 11 लाख करोड़ रुपए डूब गया देश के लोगों का। अडानी जो दो नंबर के अमीर हुआ करते थे, आज पता नहीं कितने नंबर पर पहुंच गए। और एक बड़ी हास्यास्पद बात है कौरव जी, कि आप बताइए कि जो दुनिया का 2 नंबर का अमीर हो, वो देश का 15वें नंबर का टैक्स पेयर है? ये कौन सा खेल चल रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी जी का कोई साथ नहीं दिया। अरे भाई, श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मैं क्या कह रहा हूं, सरकार कह रही है काम किया। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। सरकार से विपक्ष एक मांग कर रहा है, आम आदमी पार्टी इतने दिनों से मांग कर रही है कि JPC गठित करके ईमानदारी से जांच करवा लीजिए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? अगर मोदी जी इस मामले में शामिल नहीं चले, इस चोरी में शामिल नहीं है, तो जांच करवाने से क्यों भांग रहे? इससे साफ पता चल रहा है कि जो मोदी जी अडानी को ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेकर जाते हैं वहां पर उनका धंधा करवाने के लिए, वो इस पूरे घोटाले में लिप्त है, इस पूरे घोटाले में शामिल है। अगर जांच की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो अडानी के पैसों से चलती है, अडानी जिस भारतीय जनता पार्टी की अघोषित खजांची है, उस भारतीय जनता पार्टी पर और के सबसे तथाकथित लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के गिरेबान पर हाथ पहुंचेंगे जांच के। इस वजह से जांच से भांग रहे हैं। जांच कराने, जांच कराने में क्या आपत्ति है? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि इस महाघोटाले की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए, इसमें दिक्कत किस बात की? लेकिन ये जांच नहीं कराएंगे। जांच इस वजह से नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें भाजपा भी लिप्त पाई जाएगी, इसमें मोदी जी भी लिप्त पाए जाएंगे, और सारा जो इनका झूठ का आडंबर है ये सब बिखर के रह जाएगा, सारा पहाड़ झूठ का टूट जाएगा, पूरी जनता तक एक एक सच्चाई पहुंच जाएगी, इस वजह से जांच नहीं करा। अच्छा, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस युवराज सिंह यादव, मैं कैसे देखते हैं जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चल रही है और अडानी वाले मामले पर आज कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता भी की, नकुल में प्रेस वार्ता की है, कहीं ना कहीं कल भी प्रदर्शन हुआ था, आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, तमाम मुद्दे हैं, धार्मिक बयानबाजी के बाद अब विपक्ष यहाँ पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, कैसे देखते हैं और कैसे चुनौती बनेगी सरकार की? आवाज बढ़ाई जाए, आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है। ओके, देखिए गौरव जी, अगर हम बात करें तो देश में आज दो बड़े मुद्दे हैं। जी। एक
हम बात करें तो बजट जो अभी आया कुछ दिन पहले जी, और दूसरा जो अदानी जी जी, अगर हम बजट की बात करें तो भाजपा ने बजट आने के पहले जी खूब गुब्बारा फुलाया और लोगों को झूठे सपने दिखाए, लेकिन जैसे जैसे वो बजट सामने आता गया वैसे वैसे उस गुब्बारे की हवा निकलती गई। आप देखिए कि उस बजट में ये शायद देश का पहला ऐसा बजट होगा जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसमें मनरेगा के क्षेत्र में और जिसमें ग्रामीण विकास के क्षेत्र जैसे तमाम एरिया और भी है जिसमें बजट में कटौती की गई है, शायद ये पहला देश का ऐसा बजट होगा। ठीक, ये बहुत सारे झूठे वादे कर रहे थे बजट आने के पहले जी। और इनका खासियत क्या है कि एक इनका जुमला खत्म नहीं होता, ये दूसरा जुमला देने के लिए तैयार हो जाते। बजट आने के बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो रोड बनाएंगे। अरे भाई साहब, आप देख लीजिए कि भुखमरी के मामले में 121 देशों की सूची में भारत 107वें नंबर पे है। आज देश में लोगों को रोड से ज्यादा पेट भरने की जरूरत है। बिल्कुल, आपके दो वक्त की रोटियों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं और आज उन्हें झूठे झूठे सपने दिखा रहे हैं आप जी। और जब बात अडानी की आती है, ये लोग कहते हैं कि नहीं अडानी की बात हम क्यों करें। अरे भाई क्यों नहीं करें आप अडानी की बात। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया मोदी जी जाते हैं जी, वहां जैसे ही वो जाते हैं लेकिन उसके बाद जी कोयला का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाता है। अच्छा, मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं जी, बांग्लादेश जाने के बाद अडानी को वहां बिजली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जी। मोदी जी श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका जैसे ही जाते हैं उसके बाद अदानी को वहाँ बिजली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और श्रीलंका में तो ये तक कहा वहाँ के चेयरमैन ने कि राजपक्षे जी ने ये बात कही, उसको मोदी जी ने दबाव डाला है कि अदानी जी को वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। अच्छा, जब वहाँ इस तरह से वक्तव्य सामने आ रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि भाजपा और अदानी के बीच में कोई तालमेल नहीं है। अच्छा, ये बिना सर पैर की बात है। अदानी का मामला मतलब बीजेपी का पूरा भ्रष्टाचार है। और ये चर्चा से भी इसीलिए बच रहे हैं कि अगर अदानी पे चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सुनील भाई जी। भाई आपका मूल्यांकन क्या है, जो विपक्ष की जो तैयारी चल रही है, रणनीति है सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरने की, ये कहां तक सफल होंगे और जनता के बीच क्या वास्तव में ऐसा मैसेज जा रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है क्या? देखिए गौरव जी, जी मैं थोड़ा समय आपसे ज्यादा लूंगा। बिल्कुल, चारों प्रवक्ताओं को मैंने सुना है जी। जैसे हमारे सपा प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं हाँ कि हमारी जो है वो समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीत गई हाँ। तो 5 MLC चुनाव हुए। अच्छा, उसमें 1 सीट पे आप विजयी हुए, तो क्या माना जाए कि आपका वर्चस्व राजनीति में बढ़ रहा है या घट रहा है? अच्छा, ठीक है। हमेशा मैं जिन चैनलों में जाता हूँ गौरव जी, वहाँ लोग मैनपुरी को उदाहरण देते हैं, रामपुर को आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आजमगढ़ क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जनाधार घट रहा है, वरना MLC के चुनाव में आपको 1 भी सीट नहीं मिली। ठीक। दूसरी बात, हमारे आपके प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं गौतम अडानी जी को हाँ। जाहिर सी बात कि ये आरोप किसी विदेशी कंपनी, विदेशी जांच एजेंसी द्वारा लगाया गया है। अच्छा, मेरा मानना है कि जांच तो होगी ही। अच्छा, ऐसा नहीं बिना जांच के मोदी जी आरोप लगाया गया है तो मैं उनके शेयर क्यों लग गया भाई। देखिए, अच्छा आप बताइए गुरु जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी आप अपने चैनल दिखा दीजिए कि स्टेट बैंक भाग रहा है, सुबह स्टेट बैंक या किसी के नाम लीजिए, एनीवन कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी कोई दुर्भ नीत नहीं है, उस दरवाजे पे पैसा लेने पब्लिक तुरंत पहुंच जाएगी, चाहे वो भाग रहा हो चाहे ना भाग रहा हो। आप गौर कीजिए, अतीत में फाइनेंस कंपनियां खुली थी, कितनी फाइनेंस कंपनियां खुली थी लखनऊ से लेकर, एफपीओ भी बंद कर दिया अडानी ग्रुप ने। नहीं, अब जब ऐसा मैसेज जाएगा तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता तो परेशान होगा ही कि मेरा पैसा कहीं डूबने जाए। आपने देखा होगा कि हमारी वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि पैसा डूबने वाला नहीं है, और RBI ने भी स्पष्ट किया, तो देश के साथ कुछ विश्वास तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गौतम अडानी कोई छोटे से व्यापारी है, अर्थव्यवस्था में हमारे इमरान भाई बोल रहे हैं वो इनकी सरकार में बड़े हो गए, पहले कुछ नहीं थे। देखिए गौरव जी, पहले तो हम भी कुछ नहीं थे। अच्छा, पैदा तो हम इतने बड़े हुए, इतने पैदा होते, इतने बड़े पैदा हुए थे। अरे शारीरिक बल की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, नहीं यहाँ पर आर्थिक बल की बात कर रहा हूं। आर्थिक बल की बात कर रहा हूं। गौतम अडानी जी भी और जितने जितने, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है भाई, टाटा बिरला ले लीजिए, टाटा बिरला के पैसा रख पैदा हुए थे जी। जो मेहनत करेगा देश में विकास उसका होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेहनत की उन्होंने, अच्छा मेहनत। अच्छा आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी रही या कांग्रेस पार्टी, भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। नहीं नहीं सुन लीजिए मेरी बात जी, कांग्रेस पार्टी रही तो क्या अडानी काम नहीं दिया? अच्छा आप बताइए जी, जो उद्योगपति हैं हर देश की वो रीढ़ होते कि नहीं होता, अर्थव्यवस्था उनसे गुजरती कि नहीं गुजरती है? गुजरती है। ऐसा नहीं कि परचून दुकान खोलने वाला भाग गया भाग गया। अच्छा, अरे संयम बरतिए आप लोग। अच्छा, निश्चित रूप से जांच होगी, नहीं जांच होगी। कह रहा है कि 15 नंबर के टैक्स पेयर है वो,
विश्व के सबसे अमीर आदमी थे दूसरे नंबर के। अच्छा नहीं देखिए इसमें हमको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। हाँ इसमें जानकारी हम इमरान भाई बताएंगे, इमरान भाई बताएं इनका काम है जी। ठीक है दूसरी बात जो बजट बात हो रही है, रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाया तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा रक्षा क्षेत्र में बजट हमारा पुराना कितना होता था आप ही देखे हैं, क्योंकि देश की जो हालात हैं पड़ोसियों देशों से उसके तहत अगर रक्षा बजट नहीं बढ़ाया जाएगा तो गौरव जी आप देख रहे हैं यूक्रेन का और रूस का युद्ध एक साल हो गया गुजरते गुजरते। अच्छा। तो सबसे पहले सुरक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी जरूरी है। अच्छा। और जिस बजट को विपक्ष का काम तो हमेशा ही हर बजट में कांग्रेस की तभी जरूरी नहीं है क्या? नहीं जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ सुरक्षा भी जो जरूरी नहीं जरूरी बताइए आप। अगर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे शिक्षित कहां से होंगे। दूसरी बात जब सरकार कांग्रेस होती है तो भाजपा वाले कहते हैं बजट बड़ा खराब आया है जी। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं कि जब आपकी सरकार थी उस दौर इनकम टैक्स छूट कितनी थी? अच्छा जहां तक मुझे जानकारी है कि 2,80,000 रुपए पे कांग्रेस चली गई थी जी। अच्छा उसके बाद भाजपा आई। अच्छा भाजपा ने आज 7,00,000 किया है। अच्छा 4 सालों में आपने 60 सालों में टैक्स अब कितना छूट दिया? अच्छा मैं बोलूं जिम्मेदारी 7 साल में आपकी सरकार भी रही है पहले, वो भी गिन लिया करिए। वो नहीं रही भाजपा सरकार भी रही है लेकिन ज्यादातर कांग्रेस का और जनता दल का शासन रहा कि नहीं रहा बताइए। बिल्कुल रहा, बिल्कुल। भाजपा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पेरेंट थोड़ा सा रही, बाकी शासन में कांग्रेस प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से रही। अच्छा ठीक है कितनी आपने राहत दिया? महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में 250 रुपए में दाल बिकती थी, अरहर की ना बिकती हो, आपका राष्ट्रीय चैनल है गौरव जी आप उठा दे। मुझे पता मैं खरीदा हूँ भाई, खरीदा है ना, 250 रुपए में दाल मिलने वाली आज 5 साल से हमको 110 रुपए 120 रुपए मिल रही है। तेल पे बोल लीजिए जी, थोड़ा तेल पे ही बोल लीजिए। देखिए तेल पर, अरे गैस पे भी बोल, हाँ गैस भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोलूंगा, थोड़ा सा इसलिए समय मांगा हूँ। गैस कनेक्शन लेने के लिए मैं सांसद विधायक वहाँ आए जे जर्नलिस्ट थक गया मेरे भाई, हमको कनेक्शन नहीं मिल पाया। अच्छा आज देखिए महंगाई तो पूरे विश्व में है, आपको कनेक्शन नहीं मिल पाया हमको। मैं चैनल राष्ट्रीय चैनल से सांसद वहाँ विधायक वहाँ भाई हम लोग नहीं, अरे हम विश्वविद्यालय के लोग भैया झूठ नहीं बोल रहे हैं हम राज भाई, आपकी सरकार में कनेक्शन नहीं मिला भाई इनको? नहीं मिला हमको, नहीं ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, गैस के लिए लाइन लगानी पड़ती है, ये बात सही है भाई साहब, गैस के लिए लाइन लगानी पड़ती है, तो मिट्टी तेल के मैं खुद ये बात सच है, ये तो मैं देखा हूं, मैं देखा हूं, सबने देखा है, मैंने लाइन लगाई मिट्टी तेल के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट में, और कभी कभी डंडा भी खाए हैं, डंडा इसलिए खाना पड़ा भीड़ ज्यादा हुई पुलिस आई, डंडा डंडा भी खाया मिट्टी तेल के लिए। अच्छा तो पार्टी जी का सवाल भाजपा से पूछ लीजिए। नहीं नहीं मनवर थोड़ा सा मौका दीजिए, बोलने मौका दे दीजिए। उसके बाद में उज्ज्वला योजना आई और आज मोदी जी की सरकार सिलेंडर महंगा है, मैं भी मान रहा हूँ। अच्छा। लेकिन सुकून तो है, कम से कम बटन दबाइए गैस वाला गेट आ गया आपके, तो ये तो किचन में सिलेंडर बढ़ गई है तो पैसा देना पड़ेगा है? वो तो है, सुविधा लेके तो आप अब एसी कार से जाएंगे आप बैठ के और सुविधा लेके जनरल की क्या जब पैसा आप सुविधा लेंगे, सुविधा के नाम पे मैं भाजपा की तारीफ कर रहा हूँ लेकिन महंगाई के नाम पे कष्ट हमको भी हो रहा है कि सिलेंडर 1100 का मिला, पब्लिक परेशान। अच्छा ये सही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या जो विपक्ष की लामबंदी हो रही है बड़ी जिम्मेदारी साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं उन राजनीतिज्ञों से बहुत परेशान हूँ कि जो चुनाव के समय मेढक की तरह आते हैं, उससे पहले नहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। कोरोना काल में चाहे आप पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस हो, अच्छा। कौन लोग दिखाई पड़े हमको बताइए, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कितने लोग दिखाई पड़े? मैं तो कोरोना में रहा सबके सामने, अरे हम लोग तो रहेंगे, हम भी रहे बीच में लोगों के, फोटो देख लीजिए। लेकिन जिम्मेदारी साथ मैं कह रहा हूँ कि उस समय कोई न धरना हुआ न प्रदर्शन हुआ न निकले के सपा भी नहीं आई थी क्या? सपा ने पूरी मुड़ी नहीं बांटी थी क्या? अरे पाने ने तो कहा था कि ये मोदी वैक्सीन मत लगाइए इसको। अच्छा मोदी वैक्सीन मत लगाइए नहीं कहा था क्या? अच्छा ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे वरिष्ठ लोग बैठे पूछे इसे कहा था नहीं कहा था? अच्छा कि वैक्सीन मोदी जी लगवा तो लिए, लगवा तो लिए, जो नहीं लगवाया प्रभु प्यारा हो गया। अच्छा तो देखे कि यार भगवान न करे कभी त्रस्ती ऐसी आई इस भारत में जो दौर गुजरा जी। उस समय राजनीति दल अब 24 चुनाव आ रहा है गौरव जी, हर पार्टी अपनी दुकान खोले बैठी है जनता को ठगने के लिए। अच्छा जनता के साथ कोई पार्टी, मेरा मानना है गौरव जी सही ढंग से न्याय नहीं, जिसको न्याय करना चाहिए वो आज बेरोजगारी से परेशान है, भुखमरी से परेशान है और विशेषकर मीडियम क्लास। जैसे बजट ये आया, इस बजट पर गौरव जी मेरा मानना थोड़ा मीडियम क्लास को राहत दी गई। अच्छा। लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि 7,00,000 रुपए में, मैंने सुना जो मुझे जानकारी मिली है सीएम महोदयों से कि उसमें आपकी जो बच्चों की फीस होती थी इसको भी हटा दिया गया, 7,00,000 रखा गया। पूरी कंफर्म मुझे जानकारी नहीं, जो मुझे जानकारी ज्ञात हुई सूत्रों से वो मैं बता रहा हूँ कि 7,00,000 तो मिल गया लेकिन जो साइड में हमको छूट मिलती थी वो छूट हमारी खत्म कर दी गई। ऐसा है कि नहीं है ये वित्त विभाग लोग जाने, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है जी, एक सवाल रहेगा, सपा भाई बोल रहे थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ते हैं और इमरान भाई सपा वाले केवल सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए इस पे तो हमारा कहना है कि लखनऊ से 50 किलोमीटर आप दूर चले जाइए। अच्छा केवल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अब विकास का कितना कार्य हुआ है आप देख लीजिए। अच्छा ग्रामीण अंचलों की स्थिति क्या है? अच्छा
वो मैं बता सकता हूँ क्या अच्छी है खराब है। देखिए पहले क्या तो बेहतर, नहीं, मुझे। पहले तो बेहतर है ये मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए गौरव जी वो नहीं हुई अभी तक। चाहे यातायात देख लीजिए, वो कहते हैं 25 साल का जंगल राज रहा, आप करने पे काम कर रहे हैं। नहीं देखिए 5 ही साल तो हुए हैं, 2 साल कोरोना खा गया। नहीं अभी लैंड ऑर्डर बात आई, जैसे हमारे प्रवक्ताओं महोदय ने कहा कि आप बताइए, देखिए अपराध होगा जब समाज होगा, अच्छा, लेकिन अपराध को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होती है। आप बता दिए 5 सालों में कोई गैंग, आप कभी कच्चा बने ना रही है ठीक, कभी एक दो और गैंगों में नाम बोल रहा हूँ, ऐसे कई गैंग सर, कच्चा बनियान ले लीजिए और मुनचुआ ले लीजिए, ऐसे कई अपराधी संगठित गिरोह उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है संगठित गिरोह एक बता दीजिए हमको। और रही शिक्षा माफियाओं बात, शिक्षा माफिया तो हर गवर्नमेंट रहते हैं गौरव जी, इन पर नियंत्रण करना आसान नहीं है। ठीक है ठीक है, सवाल भाई सबकी बात सुन ली, अब सबका जवाब आप दीजिए भाई। सरकार में आप बैठे हैं, सत्ता आपकी है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही आपकी ही है। देखिए जवाबदेही जो है, क्योंकि जनता हमको चुनकर भेजती है और जवाबदेही जनता के प्रति बनती है। अच्छा ये जो दल हमारे सुनील जी भाई साहब ने कहा कि चुनाव के टाइम पर सब एकजुट हो जाते हैं, अपनी सक्रियता दिखाने लगते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। आपको हम बताएं कि जिस तरह जो बजट की बात की उसमें दो चीजें छूट गई, जैसे मनरेगा और अल्पसंख्यक, किन लोगों का बजट कम किया गया जी। अब अल्पसंख्यक का शायद मुझे लग रहा है 500 करोड़ का बजट था, उसमें 40% कम किया गया। अच्छा। गौरव जी अल्पसंख्यक विभाग में मदरसों में वजीफा मिलता था और भी योजनाएं होती थी, मोदी सरकार ने जब उनको उनके आधार के माध्यम से जब सीधे खाते में पैसा देना शुरू किया जी। तो सारी चीजें और भ्रष्टाचार सामने आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दायित्व तो है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, ठीक है, तो उस पर उन्होंने इस बजट को कटौती की, जो बचा अच्छा उस बजट को कम किया। अगर आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी कि नहीं बजट कम पड़ रहा है, तो उसको बीच में अनुपूरक बजट के रूप में जैसे हमारी योगी सरकार बढ़ाती उसी तरह इसको भी बढ़ाया जाएगा। इस पर हमारे जो तथाकथित मुस्लिम जो नेता है, जो अपने आप जो पार्टियां हैं जो कहती हैं जो वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करती थी, वो उनको भड़काने का काम कर रही थी कि मुसलमानों का बजट कम कर दिया। बजट कम नहीं किया गया है, जो बचा है उसको कम किया, क्योंकि जो उपयोग में आया वो सीधे खाते में गया, भ्रष्टाचारियों के उसमें नहीं गया, जो बीच में बिचौलिया करते थे, जो मदरसे के टीचर खा जाते थे वजीफे के नाम पे, वो सारी चीजें कम हुई हैं। इसके लिए हम अपने मुस्लिम समाज के लोगों को कहते हैं इसके लिए भड़कावे में ना आए, ये अगर बजट की जरूरत पड़ेगी तो बीच में बढ़ाया भी जाएगा। और दूसरा जो मनरेगा में किस तरह से लूट घसोट होती थी और प्रधान जी और सचिव जी और बीडीओ साहब मिल करके खाते थे, उस चीज को भी जब आधार से और सीधे खाते में पैसा गया तो उसमें भी जो है थोड़ा सा बजट जो है वो कम किया गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो भी बढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज लगी रही बात आरोप लगाने की, कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बिल्कुल लगाएं, लेकिन वो आरोप कितना सही है और कितना गलत है ये हम आपके चैनल से विश्वास दिलाते हैं कि 14 में हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मोदी जी 24 में हम इन विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और 400 प्लस सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पुनः वापस आएगी। अच्छा पर यहाँ पर जो अडानी वाले मुद्दे पे घिरने का प्रयास कर कह रहे हैं महा घोटाला हुआ है मोदी और अडानी के नाम को लेकर पूरा महा, वो एक व्यापारी है और उन्होंने अपने तरीके से व्यापार किया, व्यापार में घाटा भी होता है, नुकसान भी होता है, उसमें ये आरोप लगाना कि नहीं साहब सीधे खुला तौर पर जो है आम आदमी के पार्टी मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि अभी इनकी एक छोटी सी पार्टी अभी एक आध दिल्ली में आई है और अभी पार्टी कहां है पंजाब पहुंच गई, पंजाब में आ गई, पंजाब में क्या, देखिए पंजाब का मैं जिक्र नहीं करूंगा किस तरह से वहां पर मादक पदार्थों का उपयोग हो रहा, किस तरह से आतंकवादी घटनाएं वहां पर जो है वो असलहे आ रहे हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आप सीधे सीधे एक पहली बार आजादी के बाद भारत के अंदर एक ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री आया है जिसकी सरकार में किसी भी मंत्री पर अगर आरोप लगाओ मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा और अपनी पार्टी से इस्तीफा कुछ से कर रहे हैं आप। जी इमरान भाई लगातार आपकी बात हंस रहे हैं, ये भारत के लोगों भारत की जनता ने चुन करके उस प्रधानमंत्री को भेजा है जो जनता की बात करता है, मन की बात के जरिए जनता तक अपनी बात को पहुंचाता है और पत्र के माध्यम से जनता से सुझाव मांगता है, ये पहली ऐसी सरकार देश के अंदर आई। ठीक है जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाई इमरान भाई। देखिए गौरव भाई सभी साथियों को मैंने बड़ी शांति से सुना, उम्मीद करूंगा 2-2.5 मिनट हमारा बर्दाश्त कर लेंगे हमारे साथ। ठीक है अभी जो सवाल जीवन भर बर्दाश्त करेंगे आप। जो सवाल हमने जेपीसी से मुतालिक पूछा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच क्यों नहीं करा ले रहे हैं, उसका जवाब शफात भाई ने नहीं दिया, कोई बात नहीं।
हाँ। उनके पास जवाब है भी नहीं, दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये जवाब देने में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो जाएगा, फंसते हुए नजर आएंगे, साफ दिख रहा है। दूसरी बात, अभी त्रिपाठी जी ने आय कर में छूट देने की बात की, अरे भैया पहले आय हो, आय तो चली गई, आयकर पे कितनी छूट दो उससे क्या मतलब है, कोई मतलब, जो आय होगी तब तो आयकर पे छूट का फायदा कोई लेगा। दूसरी बात, अभी कानून व्यवस्था पे बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश के जो भी मुद्दे रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं, उन पर ईमानदारी के साथ आवाज उठाने का काम किया है, चाहे ये मोदी अडानी का महाघोटाला हो और चाहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला पहले भी रहा हो, आज भी रहा हो, उस पर हमने सवाल उठाए हैं। आप बताइए, जिस प्रदेश के अंदर थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। अभी एक बहुत बिल्कुल मैं रिसेंट मामला उठा रहा हूँ, इसी राजधानी लखनऊ का है, एक यहाँ का प्राइवेट स्कूल कॉलेज है, कॉलेज, जहां पर एक 12 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और वो इतनी बुरी तरीके से घायल होती है, हड्डियां टूटती हैं, आंत फट जाती है, पैर टूट जाता है, कई जगहों पर गंभीर चोटें आती हैं और पुलिस अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। एक सिंगल अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, एक आदमी को नहीं गिरफ्तार किया गया, पुलिस को भी एक सुराग तक हाथ नहीं लगाए और कह रहे हैं कानून व्यवस्था का मामला बिल्कुल चौकस है, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप आंख मूंद कर बैठ जाएंगे तो ये होना होगा। दूसरी बात, जो अदानी और मोदी जी का ये महाघोटाला है, ये अभी ईमानदारी की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, अब आप ईमानदारी की बात करेंगे तो भाई हंसी तो आएगी हमको, स्वाभाविक है हंसी आना, जिसने 11 लाख करोड़ रुपए देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा डुबवा दिया हो अपने बेईमान पूंजीपति मित्र की यारी में, वो देश का ईमानदार अच्छे प्रमाण तो आपके पास है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल का बिजनेस इनको कैसे मिला? मोदी जी के कहने पर मिला। श्रीलंका में विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने, गौरव जी, विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति जी ने श्रीलंका के हमारे ऊपर प्रेशर बनाया मोदी जी के कहने पर, तब हमने इनको यहाँ बिजली का कारोबार दिया। तो आज अगर इन सब सवालों पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो मोदी जी की पुलिस या योगी जी की पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कर रही है? हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे कोई अपराधी हो। आज क्या हुआ परिवर्तन चौक पर, सड़कों पर हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ जिस तरह की अभद्रता की गई, हमारे सीवाईएसएस के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे को जिस तरीके से मारा पीटा इनकी पुलिस ने, हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल को मार मार कर घायल कर दिया, अरे महिला नेताओं को नहीं बख्शा, हमारी प्रदेश प्रवक्ता इरम रिजवी के ऊपर जिस तरह से अभद्रता की, महिला प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी के ऊपर जिस तरह के हमले इनकी पुलिस ने किए, अरे शर्म आती, उसे साफ पता चलता है कि अडानी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और पीड़ा भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को हो रही है, इनकी सरकार को हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि इस महाघोटाले में भाजपा भी मिली हुई है, मोदी जी भी मिली हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए, चलिए हम गलत कह रहे हैं, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? हम तो कह रहे हैं जेपीसी से जांच करा लीजिए, जांच करा लेंगे, पानी करा लीजिए, बहुत जल्दी सरकार को कोई आदेश आ जाए। सवाल भाई जवाब दीजिए, भाई समय कम है जी। देखिए इमरान भाई जो मांग कर रहे हैं जांच की, देखिए ये मोदी सरकार है और दावे से मैं कहता हूँ मोदी जी जो कदम उठाएंगे वो ठोस कदम उठाएंगे। इस तरह से इनके चिल्लाने से और मांग करने से जो काम है वो इनका वो अपना करें। जिस तरह से ये बता रहे हैं अगर सड़क पर ही अराजकता फैलाएंगे तो ये कानून व्यवस्था का काम है, इसमें सरकार का कोई काम नहीं है, ठीक है, प्रशासन का काम है, आंदोलन ही अराजकता फैला रहे होंगे इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई की होगी, वो सरकार का काम नहीं है, सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। रही बात कानूनी, सुनिए, रही बात कानूनी कार्रवाई की, जो भी भ्रष्टाचार होगा, जो भी होगा, जो भी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, जांच कायदे से होगी, जांच होगी। आपको पता है अगर जांच होगी आपके आपके दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है, मोदी जी को आपके दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है, अडानी और जांच अगर उनको करानी होगी तो ठोस कदम उठाएंगे, वो देश ही भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो देश में छुपा हो, चाहे वो देश के बाहर हो। आपकी पार्टी का काम अघोषित खजाना, आपका काम है सड़क पर अराजकता, ये अराजकता फैला रहे हैं, इसलिए पुलिस ने अपनी नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्रवाई की। अडानी के पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, अडानी को ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं धंधा करवाने के लिए, कोल का बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में दिलाएंगे, बिजली का कारोबार श्रीलंका में दिलाएंगे, बांग्लादेश लेकर जाएंगे, आपके पास कोई सबूत तो दिखाइए, दिखाइए चैनल पर, अगर मोदी जी ने प्रेशर डालाया तो दिखाइए, आप सबूत दिखाइए, कोई सबूत नहीं, बोलने से काम नहीं, सबूत दीजिए, अगर उन्होंने प्रेशर बनाया तो उसका सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए,
आपको सबूत देना पड़ेगा। अडानी की गुलाम बन गई है, आप सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए, आपको सबूत देना पड़ेगा। जो आरोप आप प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, एक ईमानदार प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, आपको सबूत देना होगा। जबान चलाने से काम नहीं चलेगा इमरान जी, आपको सबूत देना पड़ेगा। जो आरोप लगा रहे हैं सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए, आपको उसका सबूत देना पड़ेगा। आपको जनता सुन रही है, जनता के चुने हुए एक ईमानदार प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जांच होगी, ठोस कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, जो भी होगा ठोस कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई। मैं कह रहा हूँ ठोस कार्रवाई होगी, जांच का विषय नहीं, ठोस कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। कोई नहीं भाग रहा, ठोस कार्रवाई की बात कर रहा हूँ मैं, ठोस कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, ठोस कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, ठोस कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। ठोस कार्रवाई होगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहे, आपको आवाज गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है। और एक बात आप सुन लीजिए, आपको ये देश सुनना है, देश की जनता ने एक ईमानदार प्रधानमंत्री भेजा है, ईमानदार प्रधानमंत्री, आपको फख्र होना चाहिए, देश की जनता को फख्र होना चाहिए, देश की जनता फख्र है। देश के इतिहास ईमानदार प्रधानमंत्री है, ईमानदार। ये 24 में बताएंगे, इसका जवाब 24 में देंगे आपको, इसका जवाब 24 में देंगे। आपके कहने से जवाब जांच नहीं होगी, आपके कहने से जांच नहीं होगी, जांच मोदी जी कराएंगे और ठोस कार्रवाई करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। प्रवक्ता सपा जोशी जी, भाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर पूरा तरह से सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, अब आपकी रणनीति क्या होने वाली है, और जिस तरह से ये मुद्दे लगातार चर्चा बने हुए हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जितने वादे इन्होंने करे सारे इनके धराशायी हो चुके हैं। अच्छा। ये किसानों की आय के दुगने मुद्दे पे आए थे, आज किसानों की स्थिति ये है। हाँ। किसान जो है सुसाइड करने को तैयार है। अच्छा। और मैं इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों का हम लोग उनको भुगतान करेंगे, भुगतान नहीं हुआ, लेट पेमेंट हुआ तो हम उस पर ब्याज देंगे, ब्याज दर का काम नहीं कर रहे। और मैंने आपको स्थिति बताई थी यहाँ पर कि आज यहाँ पर लगातार जो परीक्षा माफी है उससे जो है मिला हुआ है, युवाओं का जो भविष्य टोटल अधर में लटका हुआ है। अच्छा। लगातार विद्यार्थी हतोत्साहित है, महिलाओं को कोई रियायत नहीं दी गई, और निश्चित तौर पे जो बजट है उससे कोई लाभ नहीं मिला किसी वर्ग को भी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो खुद ही कहते हैं कि हम लोग जुमले भेजते हैं, ये जुमले देने का काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर। पर यहाँ पर जोशी जी, जिस तरह से जो परिणाम आते चुनावों के, बीजेपी पक्ष में चले जाते हैं, तो क्या होता है जनता जनाधार क्यों यहाँ पर दे देती है, और क्या क्या अब स्थिति बदलेगी, या बीजेपी जिस तरह से अपने आप को सत्ता की महत्वपूर्ण कुर्सियों पर काबिज करके बैठी हुई है, तो क्या आप उनके लिए चुनौती साबित हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे? कि बीजेपी कहती है जनता का प्यार हमको मिल रहा है, विपक्ष को नहीं मिल रहा है, इसलिए विपक्ष यहाँ पर खामखा तमाम तरह के मुद्दों को लेकर राजनीति को गर्म करने में लगा हुआ है। जी गौरव जी, एक बात आपने सुनी होगी, पुरानी कहावत है काठ के हाड़ी बार बार नहीं चलती है। अच्छा। निश्चित तौर पे धर्म के मामले लोगों को बांटना, जाति के हिसाब से लोगों को बांटना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना परिवेश है। अच्छा। और निश्चित तौर पे हम लोग विकास की बात करना करते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी के अगर कार्यकाल को आप देखते हैं तो टोटल विकास का मॉडल उन्होंने पेश करा। ओबीसी सम्मेलन क्यों करा रहे हैं अगर जातिवाद में बांटने की बात नहीं करते हैं? हाँ, तो वही तो विषय है, हम कह रहे ना, महिला विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, आप ओबीसी की बात क्यों कर रहे हैं? दिया अभी ओबीसी की बात कर रहे हैं, पड़ी है आप मुसलमानों की बात करना, आपने छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया आपने? आरक्षण खाना चाहते हैं आप, मुसलमानों का सम्मेलन क्यों नहीं करा रहे हैं बताइए? ओबीसी सम्मेलन क्यों करा रहे हैं आप? जाति में बांटना चाह रहे हैं, नहीं देना चाहते आप? जातिवाद की बात आप कर रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन कराकर साबित करना चाह रहे हैं कि आप जातिवाद की बात करते हैं? अरे आप जवाब दीजिए, ओबीसी आपने कहा, आपने कहा कि किसान आत्महत्या करने के लिए खड़ा हुआ है, आपके इशारे का इंतजार कर रहा है क्या? या भैया और भाभी कहेंगे तो तुरंत आत्महत्या कर लेगा? स्थिति क्या है, कर्ज में डूबा हुआ है, आप जी बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या कहेंगे आप? आत्महत्या कैसे करेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे क्या कहेंगे आप? पार्टी के जो प्रवक्ता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहेंगे आप? सीधा उसकी हत्या कर दी है। अरे बताइए, किसान के भैया भाभी के इशारे का इंतजार कर रहा है, दो सवालों का जवाब दे दीजिए। किसान ने आत्महत्या क्या करेगा? किसान ने बताइए मार दिया है, किसान की हत्या कर दी है, दो सवालों का जवाब दे दीजिए। आप ओबीसी सम्मेलन करा करके हिंदू समाज को जाति में बांटना चाहते हैं क्या? जो भवन जी आपसे, भवन जी आपसे प्रवक्ता भाजपा को पूछे जा रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन करा करके क्या आप हिंदू समाज को जाति में बांटना चाहते हैं? अच्छा, और मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाले आपने अभी तक मुस्लिम सम्मेलन नहीं कराया, ऐसा क्यों?
और आपने किसान कहा कि किसान आत्महत्या करने के लिए खड़ा हुआ है, हाँ। तो क्या भैया और भाभी के इशारे का इंतजार कर रहा है? मैं कह रहा हूँ किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। मजबूर नहीं है, आपने कहा मजबूर नहीं है, आपने कहा खड़ा हुआ है, आपने कहा खड़ा हुआ है, क्या आपके भैया और भाभी का इंतजार कर रहा है इशारे का? किसानों की हत्या नहीं करी? आप बताइए आपके स्वभाव को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर आप क्या कहेंगे? आपने उनके फर्जी मुकदमे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर आप क्या कहेंगे? आप लगातार किसानों को, अरे प्रवक्ता महोदय बता दीजिए, आप लगातार किसानों को, अरे बताइए, आपने सपा में एमपी पे बात नहीं करी? अरे आप बताइए, ब्याज देने का काम नहीं करा? आप जो है ओबीसी सम्मेलन हरदोई में करा रहे हैं, क्या हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं? आप बताइए, आप हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ओबीसी सम्मेलन कराकर? अरे आप तो किसानों की हत्या करने वाले लोग हैं। अरे आपके आप बता रहे हैं ना, आपके भैया और भाभी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं किसान आत्महत्या करने के लिए, किसानों की हत्या करते हैं। बताइए, आप जवाब दीजिए, मुस्लिम सम्मेलन क्यों नहीं करा रहे हैं आप? अरे भाई करा लेंगे, आपको क्या तकलीफ? आप मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाले, आप तो किसानों की हत्या, मुसलमानों को अपने गुलाम समझने वाले, मुसलमानों को अपने बाप की जागीर समझने वाले, मुस्लिम सम्मेलन कब कराएंगे? जवाब दीजिए फिर सुनील भाई बताइए, वो हमारा विषय हम कब का? आप तो किसानों की हत्या करते हैं। अखिलेश जी मंत्री का बेटा, अरे आप बताइए, अखिलेश जी मुलायम सिंह के मिलने जेल में क्यों नहीं गए थे? जवाब देंगे, अखिलेश जी आदम खान के मिलने जेल में क्यों नहीं गए थे? उनपे फर्जी मुकदमे लगाने का काम आपने करा है, ये आपको फर्जी मुकदमे दिखाई दे रहे हैं, फर्जी मुकदमे कह रहे हैं, निश्चित आप न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायालय ने सजा दी, आप न्यायालय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप न्यायालय से बढ़कर हो गए, न्यायालय ने उनको मुलजिम करार दिया है, आप न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? बोले बोले आप बताइए, मुस्लिम सम्मेलन कब कराएंगे? ठीक है सर भाई, जवाब लो भवन भाई बोलिए, भवन भाई बताइए, आप ओबीसी सम्मेलन कराकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं क्या? इसका जवाब दीजिए। देखिए हमारी लड़ाई है, जो आप आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी का, आप देखिए विश्वविद्यालय का जो परिणाम आया, ये आरक्षण भी इसमें कहां से आ गया? सारे एससी एसटी ओबीसी का, मैं सम्मेलन की बात कर रहा हूं, ओबीसी सम्मेलन से आप हिंदू समाज को बांटना चाह रहे हैं, आपको फटकार लगा दी, आपका जवाब दीजिए, आपका गठन तब करा हरदोई में, तो ओबीसी सम्मेलन करा रहे हैं, हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं क्या? न्यायालय ने आपने करने न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि आप पिछड़ों का आरक्षण नहीं लाए, इसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, निश्चित तौर पे देश आपको समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है उसका अंत मैनपुरी मॉडल आपको समझा, ये निर्दलीय जीता है जी, देश ने आपको समझ लिया इसीलिए सत्ता से बाहर कर दिया आपको। चल ठीक है आपको भी समझ लिया है, मैनपुरी ने खतौली ने आपको दिखा दिया है, अभी 5 सीटों पर चुनाव हुआ, काहे मैनपुरी के पीछे? परंपरागत सीट नहीं है, मुलायम सिंह जी की संपत्ति नहीं थी? खतौली में क्या हुआ आपको? रामपुर में क्या हुआ? पर तो अरे रामपुर में क्या हुआ? की राजनीति का अंत का समय, अरे भुवन जी रामपुर में क्या हुआ? ठीक है आपके नफरत की राजनीति का अंत हो गया। अरे नफरत तो आपको दिख रही है, कल आप हरदोई में करने जा रहे हो, आप हिंदुओं को बांटने जा रहे हो, आप हिंदू समाज को बांटने जा रहे हो, नफरत दिख रही है, महिलाओं की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अरे आप जवाब तो दे दीजिए, महिलाओं की लड़ाई हम लड़ लेंगे, आप बताइए, आप हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हो। ठीक है युवराज सिंह यादव अब आपकी बारी है, बात करने वाले लोग हैं आप तो इस देश को। 150 दंगे हुए थे, 150 दंगे आपकी सरकार में, भूल गए क्या? भवन भाई 80-20 की बात करने वाले इस तरह की बातें ना करें, जिनकी सत्ता 150 दंगे आपकी सरकार में हुए थे, अभी ज्यादा दंगे हुए थे, जनता बुला नहीं पाई है, निश्चित तौर पे जी। ठीक है हो गया। युवराज सिंह यादव भाई आपकी क्या राय है, जो तमाम जो घटनाक्रम इससे चल रहा है और विपक्ष को यहाँ पर लामबन देखा जा रहा है, अडानी मुद्दे पर, रामचरितमानस मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर, चाहे किसानों की बात हो और चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे और अन्य तकलीफों की बात हो, कैसे देखते हैं? इन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे कह देना कि मैं बीच में नहीं बोला और वो बीच में ना बोले जी, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि वो जब भी दूसरे प्रवक्ता बोल रहे हैं तो लगातार उनको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। उनसे बोलिए कि आप तो डिबेट में आए हैं, ये आरएसएस का कार्यालय नहीं है, कि आप कुछ भी आके कुछ भी कहें। अरे वो क्या धमकी दे रहे क्या जी? अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुनिए, बोला ढंग से जाता है ना, ये धमकी दे रहे हो आप, हमें लग रहा है कोई नहीं। अरे आप क्या कर रहे हैं? अगर आप गलत बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा। अगर आप गलत बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा।
अगर अगर मेरा अगर बोलना आपको गलत लग रहा है तो नहीं, बोलिए बोलने पर आप कोई आपत्ति नहीं, आप बोलिए, आपका काम है बोलना, बोलने के अलावा आप करेंगे क्या? तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जनता ने आपको नकार दिया, देश से बाहर कर दिया। तो अच्छा आप सुनिए, तो बोले बोले सुन रहा हूँ मैं, लेकिन धमकी ना दीजिए आप। देखिए गौरव जी, धमकी ना दीजिए, धमकी नहीं दे रहे आप, समाजवादी वाले, समाजवादी वाले कार्य मत करिए आप। अरे ये कौन सा समाजवादी? अरे आप सुनेंगे ना, ये समाजवादी कौन सी समाजवादी वाला काम ना करिए धमकी देने का। कोर्ट से पहले कोई काम करता है, गुंडागर्दी पे खाली भाजपा वालों को कॉपीराइट है भाई। अच्छा बोले इब्राहिम भाई, बोलिए सुनिए सुनिए पहले बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं गौरव भाई मुद्दे पे आता हूँ जी, बोलिए। इसके पहले एक पत्रकार जी बोले थे कि मैं भाजपाइयों की सुविधाओं से बहुत खुश हूँ क्योंकि सुविधा तुरंत मिल जाती है। क्या बात है गौरव भाई, कॉमन सेंस है इस बात का कि अगर हम कोई चीज 400 के रुपए अगर हम 1100 में बेचेंगे तो उसके खरीदने वाले कम होंगे जी। और अगर फिर उससे आप कहें कि लाइन छोटी हो गई है और इससे भाजपाइयों की सुविधाओं से जोड़ेंगे तो भाई आप, आपके ज्ञान को प्रणाम है जी। युवराज जी, आप चूंकि हमको बोलने लिए मजबूर किया है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। गौरवजी ने, मैं नहीं बोलता, जो फर्जीवाड़ा होता था अपनी बारी पे, अपनी बारी पे। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, बोल बोल सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, बोलिए 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 बोलिए। हां मैं वही कहना चाहता हूं कि जब आप 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में कर देंगे तो वो जाहिर सी बात है कि भीड़ कम होगी। बिल्कुल। और अगर फिर आप उनको कहेंगे कि हम सुविधा दे रहे हैं तो आपके ज्ञान को प्रणाम है। मैं जी अभी अभी हो सकता ये रोडवेज को लेके यही कहें क्योंकि योग सरकार ने 25% किराया बढ़ाया है। 25%, 25% अब ये कहेंगे कि नहीं और सरकारों में तो रोडवेज में बहुत बस बहुत खरी रहती थी कि हमने इतनी अच्छी सुविधा कर दी कि रोडवेज में भीड़ ही नहीं लगती। अच्छा अरे आज देखिए कि किसानों की आय 27 रुपए है जी। और आप जिस तरह से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं सीधी बात है कि डिमांड कम होगी। बिल्कुल। आपको इससे शर्म आनी चाहिए कि लोग खरीद क्यों नहीं रहे चीजें। अच्छा इस तरह से अर्थव्यवस्था रुक जाएगी जी। आप उनपे ना क्वेश्चन करके आप चरण बंधन में लगे हुए हैं। अच्छा मतलब आप देखिए कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कौन चरण बंधन में लगा हुआ है थोड़ा सा बता दीजिए, कौन चरण बंधन कर रहा है? हेलो, ये कौन चरण बंधन कर रहा है सरकार का, थोड़ा ये बता दीजिए, ये साफ कर दीजिए। अभी देखिए मुझे नाम सबके नहीं पता यहाँ पे, मैं बिल्कुल मैं नाम नहीं बताता क्योंकि आपने ना पोस्टर भेजा है और ना गैस की बात चल रही थी। बड़े पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी तो, कर रहे तो मैं जिसने भी ये बयान दिया है उससे मैं बोल रहा हूँ। तो चरण बंधन कर रहा है सरकार, मैं उससे बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। बोले 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 जी, आपकी बात पूरी हो गई। ओके जी, और बोलना चाहते हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों को बजट से उम्मीद थी, जिस तरह से बजट के द्वारा इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। अच्छा। ये बजट मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा। अच्छा। 2024 का लोग उसी तरह से इंतजार कर रहे हैं जिस तरह का लोग इंतजार 1947 में कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। युवराज जी कह रहे हैं कि चरण बंधन कर रहे हैं। हाँ। आज हम चरण बंधन नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी का चरण बंधन कर रही है। अच्छा। आपके फिर मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, आपके प्रधानमंत्री को देहाती औरत से लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया। अच्छा। आज नरेंद्र मोदी जी को कह दे कोई देहाती औरत, मैं चरण बंधन नहीं कर रहा, पूरा विश्व चरण बंधन कर रहा मोदी जी का। अच्छा। और जो विपक्ष आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है इससे गौरव जी देखिए कहीं न कहीं देश की भी छवि खराब हो रही है। हाँ दूसरी बात जो अभी ये कह रहे थे युवराज जी कि भीड़ कम हो गई है, घोटाला करे तो हम सवाल ना करें। नहीं नहीं सवाल करो, बिल्कुल बिल्कुल करो, राष्ट्रवाद के खोल के नाम पर जो भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं। अरे दिल्ली में देखिए क्या किया आपने, दिल्ली में दंगा कराया आपकी पार्टी ने, देखिए फिर कहोगे आप चरण बंधन। आज दिल्ली तो बैठ के अरे विकास की बात, दिल्ली में देखिए क्या किया आपके आप पार्टी ने, आपकी राजनीति होती थी। अरे जब बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर देश के अंदर लूट मचा कर रखे, सवाल नहीं पूछ रहे। अरे दिल्ली देखिए, दिल्ली में क्या किया है आप पार्टी ने, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, एक दंगा फसा चल रहा है। अभी अभी पिछली बार आपने देखा होगा आपको एक विधायक जेल गए, तो नहीं भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं पूछिए, वजीफा मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, ये आपका नैतिक दायित्व है। नहीं पूछ पाए हमको, अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है अपने दायित्व को निभा रहा है तो त्रिपाठी जी के पेट में दर्द हो रहा है। हमको दर्द नहीं, पूरे देश में दर्द हो रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं पूरे देश, और 2024 में आप फिर मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा पत्रकार हूँ, लेकिन 24 चुनाव में आप देख लीजिए आप क्या हासिल होता है आपकी पार्टियों का। यही यही पब्लिक देख रही है, यही पब्लिक देख रही है। और अगर आम के पेट में दर्द होगा तो आम आदमी पार्टी उठाएगी। यही यही अभी अभी गौरव जी एमएससी चुनाव हुए, 5 सीटों में 4
सीटें भाजपा जीती, एक सीट निर्दल ले गया, हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, जीता आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, जनता पार्टी के जो राजनीतिक केंद्र है, आप तो उत्तर प्रदेश से अपनी जमानत जब्त करा लिए, अभी विधानसभा चुनाव में आपने देखा की आप जमानत जब्त ठीक है सवाल भाई जल्दी जवाब दीजिए भाई जरा एक मिनट देश में भी आएंगे बोलिए आप बोलिए ठीक है दोनों भाई 30 सेकंड में बोलिए बोलिए सबको बड़ी चिंता रहती है आम आदमी पार्टी बड़ी छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी जब पैदा हुई थी तब भी ये लोग कहते थे तीन विधायक जीत के आ जाना तो राजनीति छोड़ देंगे अच्छा लेकिन इन्हीं लोगों के जो पेट में दर्द था उस दर्द को दूर करते करते हम राष्ट्रीय पार्टी क्या हो गई गौरव जी पूरी दुनिया देख रही है अध्यक्ष माफिया अपराधी जब से सरकार आपकी बनी पंजाब में पंजाब अपराधियों के में आ गया है कैसी आप बात करते पंजाब वाला देख लीजिए गौरव जी एक 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 मिनट काम आपका हमारा भाषण देना काम नहीं है गौरव जी मैं आपकी एक बात जरूर सहमत हूँ इस बात सहमत हूँ कि जो एसआर में घटना हुई है उस घटना की मैं राष्ट्रीय चैनल से निंदा करता हूँ और उसकी जांच होनी चाहिए अगर सरकार उसमें देर कर रही है तो लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं सरकार फ्लॉप हो रही है भाजपा के एमएलसी का वो कॉलेज है नाम लोग बैठे हैं हम नहीं डर रहे निष्पक्ष नाम दीजिए पर तो सवाल कर रहे पवन सिंह चौहान का डर से बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं जो गलत है डरने वाले लोग नहीं है हम नहीं हम तो पत्रकार निष्पक्ष रखेंगे और गौरव जी किसानों की जो व्यवस्था है उस पे तो सरकार सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि किसान सबसे परेशान है आज आलू 3 रुपए में 4 रुपए बिक रहा है और मार्केट में बिक रहा है 2 रुपए में जी सवाल लेट पूछे सर डिबेट खत्म होने वाली है सफर भाई आखिरी कमेंट करिए मैं खत्म करता हूं गौरव जी जी सभी ने बहस की और अपने अपने जो बिचारे उभरने के चुनाव के टाइम पे अपने आप को ये बेचारे बच्चे कर रहे हैं बेचारा कौन है सपा बेचारी है कि कांग्रेस बेचारी है क्या उन सब को मैं कहना चाहूंगा बेचारा समझ में नहीं आया उन सबको मैं कहना चाहूंगा अच्छा बेचारे ने 5 4 पे चुनाव लड़े हार खाए गए सबको मैं कहना चाहूंगा आप सब लोग चिंता ना करें जो भी भाई ने बात की एसआर कॉलेज वाली उसके लिए तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी मैं इस चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दूसरी बात जो अडानी जी वाली उस पर ठोस कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी इस देश को दिखाई देगा जिसपे लेना होगा प्रधानमंत्री जी लेंगे आप प्रधानमंत्री जी दूसरा मैं कहने जा रहा हूँ विपक्ष का काम है चुनाव के टाइम पर आकर जनता को डिस्टर्ब करना जनता डिस्टर्ब नहीं होगी और जनता सभी लोगों को समझ चुकी है अभी युवराज जी ने कहा 1947 को इन्होंने याद दिला दिया और देश की जनता को याद आ गया कि किस तरह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 50 लाख लोगों की हत्या हुई थी बंटवारे में वो जनता को याद आ गया इसीलिए इसको जनता ने इसीलिए जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया तो आज उनके युवराज को पैदल टहलना पड़ रहा है उनको ना विकास दिख रहा है अगर विकास देखना है तो हाईवे से नीचे उतर करके जाइए और आपके चैनल से मैं इनको खुले तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 24 के चुनाव में ऐसा मुंहतोड़ जवाब जनता देगी कि इनको याद आ जाएगा भी पार्टी और अपने पद को बंद करके सोच देखिए कि ना 1947 से आजादी कभी याद नहीं रहती अच्छा क्योंकि ये कभी आजादी को माने ही नहीं आप अच्छा। समझिए इनकी सोच ये वही लोग हैं जो तिरंगे का अपमान करते रहे जिंदगी भर और आज इनकी सोच में भी झलक गया कि 1947 से इन्हें आजादी याद नहीं आती कभी ठीक है शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को ठीक है ठीक है जो वो भावना इनके अंदर पहले भी थी वो आज भी लोगों की हत्या हुई शर्म जवाब देंगे ये सुनना चाहता है बोलिए आप अगर ईमानदारी से बोलिए अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो ईमानदारी से बोलिए 1947 हो गया हो गया हो गया सर सर ठीक है सपार भाई प्लीज सपार भाई प्लीज सपार हुसैन प्लीज ठीक है हो गया समय पूरा हो गया आप सभी मेहमानों से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो यह चर्चा थी जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद हो चुका है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है विपक्ष की रणनीति यहां पर केंद्र सरकार को घेरने की भी है और कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को भी घेरने की है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की कुर्सी जाती है तो इसको फिर हलचल में बनाने से हर्ज क्या है फिलहाल विपक्ष जिस तरह से सड़क पर संघर्ष कर रहा है कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि विपक्ष अब 24 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है भाई जाहिर सी बात है वास्तव में अगर जनाधार चाहिए या वास्तव में कुछ बेहतर चाहते हैं तो संघर्ष तो जनता के बीच में जाकर करना ही पड़ेगा अब आने वाले समय में कितना संघर्ष होगा कितना जनाधार मिलेगा और कौन सी पार्टी को यहाँ पर कितना सीट मिलेगी वो भविष्य के
गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है कि जहां सक्रियता होती है वहां परिणाम आते हैं, परिणाम चाहे नकारात्मक हो और चाहे सकारात्मक। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।